बचाओ, वो मेरी जान ले लेगी। हाँ गोपी, क्या चुड़ैल फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गई क्या? मेरी बीवी। बात तो एक ही है ना। अबे नहीं है उल्टे हाथ का रपटा, हम किसी महिला के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सुन सकते, समझ गए? हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हॉल है, हॉल है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ भैया, यहाँ बैठ जाओ भैया, आ जाओ आराम से, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ बताओ गोपी, क्या बात है, बताओ आराम से, हॉल है, हॉल है। सर मैं नहाने के लिए पानी भर रहा था, पानी भरते भरते मुझे नींद आ गई, मैंने सपने में देखा मेरी बीवी मायके से वापिस आ गई है और उसको पता चल गया है, मैंने उसके गहने बेचकर आपके उधार लेके जो घर खरीदा है उसमें चुड़ैल है, वो मुझे पीट रही है। तो वो क्यों पीट रही? पीटना तो हमें चाहिए ना, पैसे तो हमारे ही है ना बे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा गोपी, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है सर, मैंने पता किया है सर, वो 56 छिचोरा नाम का कोई आदमी है ही नहीं सर, मैं तो पासपोर्ट ऑफिस भी गया था सर, इस नाम का कोई पासपोर्ट ही नहीं है, अब पासपोर्ट ही नहीं है तो आदमी युगांडा जाएगा कैसे? अगर वो युगांडा नहीं गया तो वो उसी देश में, और अगर वो इसी देश में है तो कानून से बच के नहीं जा सकता। क्या हुआ भैया, आप यहाँ पे ऐसे कामचोरों की तरह क्या? भैया भैया क्या हुआ आपको? मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन आपको ऐसे उदास नहीं देख सकता भैया। क्या हुआ? अरे गोपी बिल्लू, देखो मैंने सेकंड हैंड लैपटॉप लिया है। क्या गोपी तू रो रहा है? हाँ मैं रो रहा हूँ। हाँ मतलब क्यों रो रहा है तू गोपी, क्या हुआ? यार गुलगुले, मेरा अपना घर होते हुए भी मैं बेघर हो गया हूँ यार। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे घर पे रहेंगे, मैं अभी दीदी से बात कर रहा हूँ फोन करके, आप चलिए मेरे साथ। बिल्लू भाई, तेरा ये दोस्त भी अभी जिंदा है गोपी? अरे भाभी बच्चे सबको लेके मेरे घर पे आ जाए यार, मेरे घर पे रहेगा तू, मेरे घर पे। क्या गोपी तू भी यार कमाल करता है यार, आप जैसे दोस्त मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है यार, बस मुझे चुड़ैल से डर लगता है यार, बस जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सामने आ जाती है। गुलगुले जी भैया बहुत डर गए हैं, आप कुछ कीजिए। मैं हाँ गोपी एक काम करते हैं, ये इस पे ना मेरे दोस्त ने बहुत सारी फिल्में डाल के दी हैं, एक अच्छी फिल्म देखते हैं, तेरा मूड एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है? कौन सी फिल्म है? कब्रिस्तान की चुड़ैल। नहीं नहीं गोपी ये कॉमेडी वाली है। ये कॉमेडी है? कॉमेडी है, कब्रिस्तान की चुड़ैल। हाँ अरे तू देखना, बहुत प्यारी प्यारी चुड़ैल है इसमें। देख है ना कॉमेडी। Oh my gosh! बिल्लू ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें मकान नंबर 13 बेचा, देख। नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए मुझे, मत इंग्लिश लगाइए। देख वही है ना, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। मुबारक मुझे, मुबारक मुबारक। हाँ गुलगुले जी पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। अरे ये तो वही आदमी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कोई फिल्म स्टार है? इसे जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं, और अगर ये यहाँ है तो एक बात तो साबित हो गई है कि ये एक नंबर का झूठा है, और इसने जानबूझ के वो चुड़ैल भवन मकान नंबर 13 गोपी को बेचा। तू घबरा मत गोपी, बॉलीवुड में मेरी ऊपर तक पहचान है यार, इस आदमी का मैं पता लगा के रहूंगा। मैडम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। या
दिस वन। अरे मैडम मेरी बात, अरे मेरी बात, अरे मेरी झुलझुले से जो है ना गाल लेके घूम रहा है, ऊपर से सारे उल्टे काम कर रहा है तू। मैडम मैं 56 छिछूरा, अम्मा गाली बाबू गोरा। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। अच्छा एक बेचारे बूढ़े आदमी को तैने धोखा दिया, सॉरी, और तैने जाने दे, एक बेचारे आदमी का तैने घर का सपना तोड़ दिया, और तैने जाने दे उसकी उम्मीद तैने छिन्न भिन्न कर दी, तैने जाने दे हम सब के पैसे तू हड़प गया, और तैने हम जाने दे। बता बता तूने क्यों बेचा वो मुझे चुड़ैल वाला मकान इसदा, वरना बन जाऊंगा वांटेड का सलमान इसदा। बोलो यार। अरे अगर मैं बताता तो इन्हें गधा कहाँ से बना पाता। अच्छा घना शौक है तेने पुलिस वालों ने गधा बनाने का। मैं तेने बताती हूँ कि जब पुलिस बनाने पे आवे तो के बन जावे। नहीं 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 मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम मैं भी बहुत ही गरीब और नाकारा किस्म का आदमी हूँ इनकी तरह। well. मेरे को बिना सपना था एक घर खरीदने का इनकी तरह। well. और मैडम मैं भी कम पैसे में ना बड़ा मकान खरीदने के लालच में बिल्कुल लबरा सा गया मैडम इनकी तरह। well. मुझे भी जिसने ये मकान बेच के चूना लगा दिया ना, वो मुझे आज तक नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा उसे मैडम। लेकिन मैडम ये बात सच है कि उस घर में चुड़ैल है, रूह भड़कती उस घर में मैडम। इसलिए वो मकान मैंने इनको चेप दिया। well. यानी वो कहानी काफी पहले से चल रही है। ये 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 वो जो पैसे गोपी ने तेने दिए वो कहाँ है? वो तो मैडम मैंने खर्च कर दिए, मैंने शादी कर ली। फैमिली युगांडा में। वेल तूने मेरे पैसों से कर ली हमारे एक्सक्यूज मी सॉरी, तुमने हमारे पैसों से कर ली शादी इसदा, और मेरी कर दी बर्बादी इसदा। चुप हो जा गोपी, ईब तो एक ही रास्ता है। वैसे तो मैं अंधविश्वास में मानती कोई ना हूं, लेकिन अगर किसी घर के होने से इंसानी जान को खतरा हो तो उस घर का मिट जाना ही सही है। ये 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 गोपी तू ही एक एफिडेविट बनाएगा, उस पे साइन करेगा जिसमें यो लिखा होगा कि तू अपनी खुशी से यो जिम्मेवारी मन ने दे रहा है कि मैं मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करके मिट्टी में मिला दूं। व्हाट मॉम बात के न रहले फिर अपनी चुड़ैल के संग, वैसे भी हम उम्र हो रहे हो, एक अफेयर चला लो, बिल्कुल डेटिंग कोर्टशिप पे निकल लो दोनों। वेल नॉट एट ऑल इज द विंडो दरवाजा वॉल इज द ये नया आया मैडम। बस तो तेरा कल मैं खुद अपने हाथों से मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दूंगी। मैडम घर के पूरे कोने कोने में हर जगह मैंने डायनामाइट लगा दिया है, मैडम उड़ा दीजिए भैया का घर। ऐ मेरे ना हो सके मकान, तू मुझे बहुत याद आएगा। तो घुस जा तू भी इसके अंदर, तू हमें बिल्कुल याद ना आएगा। प्लीज कैरी ऑन। ओके हेलो चालू है या हेलो हेलो सबको यो सूचित करा जा रहा है कि मकान नंबर 13 को ब्लास्ट करने का मन्ने सरकारी आदर्श है, इसलिए अगर कोई भी व्यक्तिगण अगर मकान नंबर 13 के आसपास हो तो तुरंत जो है सरक ले हट ले, क्योंकि हमारे 3 गिनने के बाद मकान नंबर 13 को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुन ले और हट जाए। 1 2 रुक जाइए अरे
चुड़ैल आंटी क्या हो गया, तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो पहले ही जो है ना मर चुकी हो, थिंग ऑफ द पास्ट हो तुम तो, तुम मत डरो। अरे नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, बिल्लू बसंती नाम है मेरा। ये सब तो मैं वो भास्कर के कहने से कर रही हूँ। हाँ। कौन भास्कर? मैडम ये सब टाइम बर्बाद हो रहा है, मैडम आप भैया का घर उड़ा दीजिए, ब्लास्ट कीजिए मैडम, ब्लास्ट कीजिए, ब्लास्ट कीजिए। नो 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 नो, अरे नो मैडम, नो नो एक्शन, ओनली ओनली कट मैडम, प्लीज ब्लास्ट मत कीजिएगा। क्यों, तुम कौन, भूत हो? मैडम आप ब्लास्ट कीजिए मैडम। अरे नहीं 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 मैडम, मैं हूँ भास्कर, जीत के रहूंगा आस्कर। मैडम मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे कैमरे इस घर के अंदर छुपा के रखे। एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले मैंने एक 56 छिछोरे नाम के आदमी को इस घर को बेचा बहुत ही सस्ते में, उसके बाद में वो यही घर उसने इनको बेचा बहुत ही सस्ते में। खुल के बोल ले वरना हो जाएगा भी ब्लास्ट सब कुछ। मुझे एक बहुत ही अच्छी सी हॉरर फिल्म बनानी थी, इसलिए तो बहुत सारे कैमरे मैंने ये घर के अंदर छिपा के रखे थे, क्योंकि मुझे एक नेचुरल सुपर एक्सप्रेशन की जरूरत थी जो कि मुझे इन्होंने दिए। थैंक्स ब्रो। वेलकम सर, वेलकम। और वो मुझे मिल गया और यही फिल्म मैं आस्कर में भेजना चाहता था। अरे विक्रम भट्ट, थारी राज फोर्स पर से तो हमने पहली पर्दा उठा लिया, धावन दोनों को ले चलो जीप में। ब्लास्ट नहीं होगा मैडम। अरे चल ना यार, चलो भाई चलो। क्या क्या निकला इस टाइम पे? चलो आंटी। गोपी बालक, तारे घर का केस सॉल्व, हाउस नंबर 13 इज गुड, होम स्वीट होम, इसमें कोई भूत ऊत ना है, खुशी खुशी इसमें रहे। थैंक्स मॉम, गुड नाइट। तारी ड्यूटी 9 बजे खत्म होगी, गुड नाइट किसे कह रहा है? सामे। अबे घटिया आदमी है। आपको छोले भटूरे खिला दूंगा। छोले भटूरे मरी जा रही हूँ मैं तो थारे छोले भटूरों के लिए। चलो वॉचमैन, वॉचमैन। अरे कहाँ हुआ साहब जी, काहे गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? ध्यान से सुनो, इजिप्ट से हम 3000 साल पुरानी ये मम्मी लेकर आए हैं जो हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगी। देखो ठीक से पहरा देना, ये मम्मी अनमोल है, गधे को बुखार है। अरे साहब जी चिंता का कोनू बात नहीं, अरे हम मम्मी का रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगा। चलिए डैडी चलते हैं घर, ध्यान से करना पहरेदारी, सो मत जाना। अरे बिल्कुल नहीं सोएंगे साहब जी। का कमाल की बात कर रहे हैं, अरे भैया मम्मी बोल रहे हैं, पापा भी तो हो सकते हैं ना, पता नहीं। सकता था तू इसके कान? मैं पेपर पढ़ रहा था जी। यस ओ बिल्लू जी, मैडम गधे को बुखार है। तो यहाँ के लेने आए हो इंजेक्शन है? उसके पास जाओ, अपना क्या कह रहे हैं उसे, वेटरनरी डॉक्टर। नहीं नहीं मैडम आप समझी नहीं, तू समझा दे। देखिए मैडम दरअसल ये मेरा तकिया कलाम है, गधे को बुखार है। अबे तो मैंने तुम दोनों ने यहाँ इनवाइट दे के बुलाया है कि सवेरे सवेरे आके अपने तकिए कलाम मन ने सुनाओ? मैडम हमें FIR लिखवानी है। ओ, 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 और हमें लगा तुम्हें यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखवानी है, क्या यार? अबे बोलो ना, हाँ?
कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई सुखी जीवन के प्रांगण में? वेल ब्रो, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इस दा, तुम जल्दी दे दो अपना अपना इन्फेक्शन इस दा है? इंट्रोडक्शन या दिस वन? क्या याद है सुन भैया? क्या कितनी बार आपने इंट्रोडक्शन को इन्फेक्शन बोला है? कितनी बार? और हर बार मैडम आपको करेक्ट करती हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन आप इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन। आपको शर्म आनी चाहिए भैया, कितनी गलत अंग्रेजी बोलते हैं आप। सॉरी सॉरी मैडम, मैं डॉगी हूँ, गधे को बुखार है। भाई जेंटलमैन, सारा रिलेटिव आया है। अंकल ने हेल्लो बोल। डैडी स्टे, मैं शुरू करता हूँ। मैडम क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। सचिन तेंदुलकर के 100 करोड़वे 111वे फैन। Who are you? मैडम मैं टॉमी हूँ, टॉमी धुरंधर। और ये मेरे डैडी हैं, डॉगी धुरंधर। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। मैडम हम लोग FIR लिखवाने आए। हाँ तो सब लोग यहाँ पे FIR लिखवाने आते हैं यार, कोई शायरी या गजल लिखवाने तो नहीं आता ना? किसके खिलाफ लिखवानी है FIR बोलो? जी वॉचमैन के खिलाफ। दरअसल मैडम शहर में जो म्यूजियम है, मैं वहाँ का हूँ मालिक, जिसके मुंह पे लगने वाली है कालिक, गधे को बुखार है। इसमें वॉचमैन का क्या कनेक्शन हो रहा? मैडम मैं बताता हूँ, दरअसल बात ये है कि मम्मी गायब हो गई वॉचमैन के साथ। अरे मम्मी गायब हो गई है, लेकिन उसके गायब होने में वॉचमैन का हाथ है, क्योंकि जब से मम्मी गायब हुई है तभी से वॉचमैन गायब है। क्रिकेट खेलूंगा धड़ल्ले से, सिक्स मारूंगा बल्ले से। हाँ तो जाहिर है तुम्हारी मम्मी वॉचमैन के साथ गायब हुई है। अब यो कैसी मम्मी है इस एज में, यो सब कैसे मम्मी की? जी 3000 साल। दिमाग में मधुमक्खी जो है काट गई है। अरे बीवी की उम्र 3000 साल हो रही? नहीं मैडम आप समझ रही, वो मेरी बीवी नहीं है। अबे वो बेटा है ना धारा। हाँ ये बेटा है हमारा। इसकी मम्मी मारी बीवी लगी ना थारी लगी बीवी। अरे नहीं नहीं आप समझी नहीं, वो मम्मी नहीं। देखिए दरअसल इजिप्ट से असल वाली मम्मी, 3000 साल पुरानी मम्मी मैं अपने म्यूजियम के लिए लाया था। 2 दिन बाद लोग उसे देखने आने वाले हैं, टिकटे बेच चुका हूँ, लेकिन अगर लोगों के सामने मम्मी नहीं आई मैडम तो मेरे इतने सालों का कमाया हुआ नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दरअसल मैडम बात क्या है, मम्मी को हमने म्यूजियम में रखा था और उस वक्त वॉचमैन ड्यूटी पे था, लेकिन आज जब सुबह हम म्यूजियम पहुंचे तो वॉचमैन भी गायब था, मम्मी भी गायब। ओ तो इनकी मम्मी गायब हुई है और हमें करना है द मम्मी रिटर्न्स। हाँ जी जी मम्मी जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.